तो ऐसे बहुत से ड्रीम मैचेस हैं जो कि हम लोग WWE के अंदर देखना चाहते हैं, और भाई ड्रीम मैचेस देखने का एक मजा ही अलग होता है। ऊपर से काफी सारे ऐसे भी फ्यूड्स होते हैं जो कि मनी मेकिंग फ्यूड होते हैं WWE के लिए भी। और रिसेंटली WWE ने एक बहुत ही बड़ा ड्रीम मैच कैंसिल कर दिया है, और अब ये जो ड्रीम मैच है वो कभी भी नहीं होगा। और इस ड्रीम मैच के अंदर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस और एक WWE हॉल ऑफ फेमर भी शामिल थे। क्या वो रीजन है क्यों WWE ने पूरा ड्रीम मैच कैंसिल कर दिया, सारी चीजें आ चुकी है निकलकर सामने, और उसके बारे में बात होगी इस वाली वीडियो के अंदर। क्या इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ की रेटिंग जब एक बार फिर से WWE ने दो हफ्ते लगातार अच्छा शो दिया, क्या फाइनली WWE सिज़ारो और लेसनर के बीच मैच करवाएगी या फिर बस एक फैंटेसी बन के रह जाएगी, ये बात भी आ चुकी है सामने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एक मिनट वेस्ट करने के बाद बेशर मेरे साथ लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो पहले शुरू करते हैं WWE के इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की व्यूअरशिप के साथ में। इस हफ्ते का जो रॉ एपिसोड था आगे से काफी अच्छा शो था, लेकिन बाय द वे व्यूअरशिप के बारे में बात करते हैं। तो जो इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप आई है पिछले हफ्ते के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा आई, क्योंकि इस हफ्ते रेटिंग्स आई हैं 1.689 मिलियन व्यूअर्स, और पिछले हफ्ते 1.658 मिलियन रेटिंग्स आई थी। और डेमोग्राफिक रेटिंग दोनों की सेम आई है, पिछले हफ्ते भी 0.47 आई थी और इस हफ्ते भी 0.47 आई है डेमोग्राफिक रेटिंग। लेकिन रेटिंग्स के अंदर डिक्लाइन ही आई, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा यू नो बड़ी चीज है, वरना रॉ की जो रेटिंग है वो लगातार डिक्लाइन में जा रही थी। लेकिन फाइनली WWE अच्छे शोज प्रोवाइड कर रही है, थोड़े एंटरटेनिंग वाले शो, जो थोड़े कह सकते हो सेंस वाले शोज प्रोवाइड कर रही है। ऊपर से केविन ओवेंस मेन इवेंट सिनेरियो में, कुल मिलाकर फैंस की चांदी चांदी है, इसलिए WWE को भी चांदी चांदी नहीं सोना सोना मिलेगा। और रेटिंग्स बढ़ेंगी तो WWE का पैसा भी बढ़ने वाला, डेफिनेटली एक नॉर्मल सी चीज है। और इस हफ्ते रॉकी रेटिंग्स के बारे में क्या आपका ओपिनियन, आप लोग शेयर करना कॉमेंट सेक्शन के अंदर। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार स्विस सुपरमैन सिज़ारो के बारे में जुड़ी है, और क्या WWE में सही में सिज़ारो और लेज़नर के बीच मैच होने वाला है। हमने देखा जब स्मैकडाउन के अंदर अपने लेज़नर ने सबकी ऐसी कम तैसी कर डाली, तो उस टाइम सिज़ारो आए सामने, और सिज़ारो के आते सर ही लेज़नर हमें शांत होते हुए नजर आए। और उसके बाद जो सिज़ारो ट्विटर पर ट्रेंड भी हुए थे कि भैया सिज़ारो की ताकत देखो, अब तो WWE को सिज़ारो और लेज़नर के बीच ड्रीम मैच करवाई देना चाहिए। और होता है कि रिसेंटली अपने सिज़ारो का इंटरव्यू होता है और बताते अपने आने वाले वॉल्टर के मैच के बारे में जो कि उनका लाइव इवेंट के अंदर होगा। लेकिन सिज़ारो के लिए जो मैच है वो काफी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जैसे ही मैच कंफर्म हुआ मैच लाइव इवेंट के अंदर हो रहा है, लेकिन फिर भी जो फैंस है इसके लिए एक्साइटेड है। ये वो चीज है जो कि सिज़ारो और वॉल्टर ने पूरे अपने करियर के अंदर डेवलप की है, और वो रेपुटेशन है। वो कहते हैं हाँ शायद हम लोग इतने पॉपुलर ना हो जितने ये बाकी सुपरस्टार्स हैं, लेकिन जो रेपुटेशन है वो हम लोगों ने बिल्ड की है, और यही वो रीजन है कि वो फैंस सिज़ारो और वॉल्टर के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। फिर वो बात करते हैं उनके लेज़नर के साथ ड्रीम मैच के बारे में। वो कहते हैं चाहे ड्रीम मैच आज हो, मुझे कल अपॉर्चुनिटी मिले, मुझे अगले साल इस चीज का मौका मिले, या फिर आज से 10 से 15 साल बाद, ये मैटर नहीं करता है। जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस ड्रीम मैच की, सिज़ारो वर्सेस लेज़नर की, ये मैच मैं जरूर करने वाला हूं। जो फैंस है इसके लिए काफी एक्साइटेड है। आपने देखा जो स्मैकडाउन के अंदर मेरी और लेज़नर के बीच एक थोड़ी सी कॉन्फ्रंटेशन हुई थी, तो इसको लेकर फैंस चाह रहे थे कि हाँ भैया ये वाला मैच हो, तो आने वाले टाइम में जैसे मुझे ये वाली अपॉर्चुनिटी मिलेगी जरूर मैं इस अपॉर्चुनिटी को स्नैच करने वाला हूं, और लेज़नर वर्सेस सिज़ारो को करवाने का मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करने वाला हूं। तो ये कुछ बातें हैं जो कि सिज़ारो ने कही है उनके लेज़नर के साथ ड्रीम मैच को लेकर। क्या आपके हिसाब से सही में WWE को सिज़ारो वर्सेस लेज़नर के बीच मैच करवाना चाहिए या फिर नहीं? लेज़नर के पूरे 1.5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 8 मैचेस हैं, एक मैच उन्होंने रोमन के खिलाफ रेसल कर लिया, एक रोमन के साथ रीमैच होने वाला है, तो यहां पर काफी मैचेस अभी फिलहाल बाकी हैं। एक शायद मैच आप लोग लैशली के साथ रिजर्व मान सकते हो, तो क्या WWE को सिज़ारो वर्सेस लेज़नर करवाना चाहिए या फिर नहीं? इसको लेकर क्या आपका ओपिनियन, आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो जुड़ी एक बहुत ही बड़े ड्रीम मैच के बारे में, जो कि WWE ने रिसेंटली कैंसिल कर दी है। और ये ड्रीम मैच कंसिस्ट करता है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस एंड रेटेड आर सुपरस्टार एज को। हमने रिसेंटली WWE के अंदर सेथ रॉलिंस और एज के बीच काफी कमाल के रिवलरी, काफी कमाल का फ्यूड और काफी कमाल के मैचेस देखे, लेकिन बीच में ऐसी बातें आ रही थी सामने कि भैया WWE एक मिक्स टैग टीम एक्शन भी तो करवा सकती है, जहां पर सेथ रॉलिंस बेकी लिंच एक साथ होंगे और सामने होंगे WWE के दो बहुत ही बड़े हॉल ऑफ फेमर रेटेड आर सुपरस्टार एज एंड उनकी वाइफ बेथ फीनिक्स। तो होता है कि रिसेंटली इसको लेकर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं सामने, और बताया जा रहा है क्राउन ज्वेल से पहले बेकी लिंच से यह बात पूछी गई थी बैक स्टेज के ऊपर, क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि आने वाले टाइम में बेकी और सेथ एक टैग टीम में हो और वो फेस करें एज और बेथ फीनिक्स का? और बताया जा रहा है कि जो बेकी लिंच है उन्होंने इस ड्रीम मैच से मना कर दिया कि नहीं भैया मुझे सेथ रॉलिंस के साथ एक टैग टीम में शामिल नहीं होना है। इवन होता है कि रिसेंट टाइम में इंटरव्यू होता है बेकी लिंच का, वहां पर भी उनसे पूछा जाता है कि भैया क्या आप आने वाले टाइम में एक बार फिर से सेथ रॉलिंस के साथ रियूनाइट होना चाहोगी और क्या आप एक मिक्स टैग टीम एक्शन में किसी का फेस करना चाहोगी? तो बेकी लिंच ने कहा था जैसे मैं बार बार कहती हूँ मैं अपनी पर्सनल लाइफ में सेथ के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, लेकिन सेथ के
साथ एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ये चीज मेरे लिए थोड़ी ऑकवर्ड रहती है, मैं उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ अपने काम को करने के लिए जब सेथ रॉलिंस मेरे साथ होता है ना, सुनने में चीज वियर्ड लगती होगी, लेकिन हाँ ये मेरा थोड़ा इशू है। इसलिए एक बार फिर से मैं नहीं चाहती कि मैं और जो सेथ रॉलिंस है वो प्रोफेशनल वे में सेम वे में आते हुए नजर आए, WWE में आने वाले टाइम में हम दोनों को लेकर एक साथ कोई भी स्टोरी लाइन चलती हुई नजर आए। और ये वो रीजन बताया जा रहा है क्यों बेकी लिंच ने इस बड़े ड्रीम मैच से मना कर दिया। अब देखो मेरे हिसाब से इस ड्रीम मैच का सेंस पूरे तरीके से बनता था, सेथ और एज की रिवैलरी चल रही थी, सेथ रॉलिंस ने इन्वेड किया था जाके एज के हाउस के ऊपर, और बेथ फीनिक्स का भी वहां पर रेफरेंस आया था। और आज से काफी टाइम पहले जब एज अपनी रिटायरमेंट से बाहर आए नहीं थे, हमने एक सेगमेंट के अंदर देखा था कि बेकी लिंच ने किस तरीके से धज्जियां उड़ाई थी, उन्होंने ट्रोल किया, टॉन्ट किया एज को, तो कुल मिला के एक परफेक्ट स्टोरी बन सकती थी बेकी लिंच एंड सेथ रॉलिंस वर्सेस एज एंड बेथ फीनिक्स के बीच में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फैंस ये वाला ड्रीम मैच देखना चाह रहे थे अब वो ड्रीम मैच पूरे तरीके से कैंसिल हो चुका है। और मेरे हिसाब से WWE के लिए भी एक मनी मेकिंग फ्यूड हो सकता था। जिन लोगों को नहीं पता, आपको याद होगा एक बार एक्सट्रीम रूल्स के अंदर सेथ रॉलिंस बेकी लिंच एक टैग टीम में आए थे, उन्होंने फेस किया था बैरन कॉर्बन और उनके साथ ही लेसी एवंस। अब यहां पर स्टार पावर देखी जाए तो एक ही तरफ ज्यादा, यहां पर सेथ और जो बेकी है वो सही में काफी पॉपुलर थे उस टाइम भी, ऊपर से उस टाइम सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच दोनों के दोनों चैंपियन भी थे। और शायद सुनने में आपको थोड़ा वियर्ड लगेगा, लेकिन इस वीडियो के ऊपर जो कि WWE ने छोटी सी क्लिप डाली थी एक्सट्रीम रूल्स के इस वाले टैग टीम एक्शन की, इसके ऊपर 36 मिलियन व्यूज आए हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप जाकर चेकआउट करना, 36 मिलियन, एक बहुत ज्यादा क्रेजी नंबर है। इसे बताता है कि भैया जो सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच की जोड़ी है वो स्टार्टिंग से काफी ज्यादा फेमस और फैन फेवरेट वाली जोड़ी है। देखो आने वाले टाइम में कभी ये लोग एक साथ आते हैं या फिर नहीं, लेकिन अभी फिलहाल ये जो ड्रीम मैच है वो हो चुका है कैंसिल। आई नो मैं काफी बकबक करता हूं, लेकिन फिर भी अगर वीडियो पसंद आई है आपको पता आपको क्या करना है, लाइक करना नीचे वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाल लाल से बटन को दबा दो वो सफेद हो जाएगा, और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे आगे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।